हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर आज पूरा दिन क्या सोचेंगे आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स थॉट्स क्या होगा, एक्शंस क्या हो सकते हैं उनका आपके लिए, आपकी क्या एनर्जी होगी, किस माइंड सेट में रहोगे आप। चलिए चेक करते हैं। ऑल साइंस रीडिंग है, आप सबके लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आज के दिन आप रूल करोगे, लीड करोगे। आप मुझे खुश दिखाई दे रहे हो, हैप्पी दिखाई दे रहे हो। जो भी टेंशन थी आपको आपके रिश्ते को लेकर या आपकी लाइफ को लेकर, आपको रिलीफ डेफिनेटली मिलने वाली है। ठीक है, आप मुझे रिलैक्स मोड पर दिखाई दे रहे हो, आप काफ़ी मुझे पीस ऑफ माइंड में दिखाई दे रहे हो, थोड़े से केयर फ्री केयरलेस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो आपके रिश्ते को लेकर, जो कि आपको होना भी चाहिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अगर बर्डन था आप पर आपके रिश्ते को लेकर, ओवर थिंकर आप थे, तो आज के दिन आपको रिलीफ मिलेगी। ठीक है, आप लेट कर रहे हो आपके रिश्ते को, सब कुछ आपकी कंट्रोल में मुझे दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ का आपको खुशी मिलेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं आज पूरा दिन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोचेंगे इनके बारे में। नथिंगनेस। ओके, आपके पार्टनर का जो इनका थॉट्स मैं देख पा रही हूँ, मुझे राइट नाउ फोकस कैरियर पर करनी है, इसके बजाय चाहे ये दूर जाए। अगर आप इनसे दूर हो रहे हो तो आपके पार्टनर को आप पर बड़ा गुस्सा आएगा। ठीक है, इनकी फीलिंग्स ऐसा होगा कि मैं इसको काफ़ी चेज करता हूँ या करती हूँ, अब मुझे इसको चेज नहीं करना है, मैं ऐसा क्या करूँ कि ये रुक जाए। इनकी एनर्जी मुझे मिक्स वाली दिखाई दे रही है। ठीक है, एक तो ये पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे अगर आप इनसे दूर जा रहे हो, दूर हो रहे हो, टोटली आपने कांटेक्ट तोड़ दिया अपने साइड से, अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे बिल्कुल शो ही नहीं कर रहे हो, प्रिटेंड ही नहीं कर रहे हो कि आप इनको चाहते हो, अपने लाइफ में चाहते हो, या आप में फीलिंग्स है इनके लिए, सब कुछ आपने कहना बोलना दिखाना शो करना छोड़ दिया है टोटली। तो आपके पार्टनर इससे बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे आज के दिन। ठीक है, तो इनकी एनर्जी ऐसा होगी कि ठीक है, जो करना है इसको करने दो, मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे ध्यान ही नहीं देना है इस पर, बस मुझे मेरा कैरियर पर फोकस करना, इस तरह की एनर्जी होगी। वही ये पर्सन जैसे डिसाइड करेंगे आपसे दूर जाएंगे, आपको स्टॉक बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके बारे में नहीं सोचेंगे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, आपको स्टॉक करने लगेंगे, सोचने लगेंगे कि ऐसा क्या करूँ कि ये मेरे पास आ जाए, खुद आ जाए, खुद मुझे कॉन्टैक्ट करे, ये मेरे लाइफ से ना जाए, ये इसको बनाने के लिए मैं क्या करूं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये तो कैंसर स्कॉर्पियो पिसेस, और क्या होगी इनकी फीलिंग्स और थॉट्स, और क्या सोचेंगे ये पर्सन। कंडीशनिंग बन चुके हैं आपके साथ, ऐसे कनेक्शन में, ऐसे रिश्ते में जिसको तोड़ना नामुमकिन है, जहाँ पर्सन निकलना, खुद को छुड़ा पाना, खुद को छुड़ाना नामुमकिन है, और ना ही ये पर्सन खुद को छुड़ाना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच सिचुएशन ऐसा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना ये समझ पा रहे हैं ना आप समझ पा रहे हो कि आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। प्रेजेंट में प्रॉब्लम चल रही है, और जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो फ्यूचर में सॉल्व होगी कि नहीं, फ्यूचर में आप दोनों साथ में आओगे कि नहीं। जो आप और आपके पार्टनर चाहते हो, नई शुरुआत या सेलिब्रेशन या एंगेजमेंट, शादी या फ्रेंडशिप, जो भी हो वो हो पाएगी कि नहीं, साथ में आ पाओगे कि नहीं, वापस स्टार्ट होगी कि नहीं, आपका जो रिश्ता है अटका हुआ पड़ा है, तो पता नहीं क्या होगा, इनको समझ ही नहीं आएगी। पर ये पर्सन का थॉट्स इतना ज़रूर देख पा रही हूँ, चाहे जो भी हो जाए मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, चाहे हम दोनों फ्रेंडशिप बनकर क्यों ना रहें, पर मुझे इसको नहीं छोड़ना है, इस तरह की एनर्जी में रहेंगे आपके पार्टनर, इस तरह का मुझे थॉट्स इनका दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में किसी तरह का सेलिब्रेशन चल रहा है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो या पार्टीज वगैरह आप अटेंड कर रहे हो, आपके पार्टनर मुझे जेलसी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेरे बिना ये इतना खुश है, इधर मैं हूँ जो इतना टेंशन ले बैठा हूँ या बैठी हूँ, और इसको देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो अपनी दुनिया में बहुत खुश रहे।
क्या इसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गए हैं इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अलोन फील करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, नई शुरुआत चाहेंगे बट जैसा समय चल रहा है उसी के हिसाब से चलते हैं, इस वाले एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। पर स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा लेंगे आज आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है, किसी से शेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा मैं क्या करूँ कि नई शुरुआत हो जाए हमारे बीच। आपके पार्टनर धैर्य के साथ मुझे आपका इंतजार करते बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको काफी ज्यादा रोना आ रहा है आपको लेकर। मैच्योरिटी के साथ संभालना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है जैसा ये चाहते हैं। लव लाइफ आप दोनों के बीच वैसा हो नहीं पा रहा है, इस चीज का बहुत ज्यादा टेंशन है आपके पार्टनर को, बहुत ज्यादा टेंशन होगी। आपकी एनर्जी क्या होगी, मैं सेलिब्रेशन देख पा रही हूँ, आपको खुश देख पा रही हूँ, ठीक है, आप किसी के कंपनी काफी एंजॉय कर रहे हो, आपका कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, वहीं आपके पार्टनर अलोन फील कर रहे हैं आपको देखकर, आपको ऐसे देखकर और ज्यादा टेंशन में स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अचानक से इतने खुश कैसे रहने लगे, अचानक से इनमें इतना ज्यादा बदलाव कैसे आ गया। आप में बदलाव देखेंगे ये, ठीक है, जहाँ पर आप रोने धोने वाले एनर्जी में थे या ऐसे एनर्जी में थे जो कि आपको देखकर ऐसा लगता था कि आप काफ़ी स्ट्रेस में हो, ठीक है, किसी बात का आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, वहीं आप काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हो, काफ़ी सुकून से हो, काफ़ी आपके फेस में स्माइल देखी जा सकती है, ठीक है। और ये देखकर इनको अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी होगी, ठीक है, इसकी खुशी की वजह क्या है, खुश रहने की वजह क्या है, आखिर ये पर्सन ओवर थिंक काफ़ी ज़्यादा करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शन क्या हो सकते हैं, इनके लिए क्या हो सकते हैं इनके पार्टनर के एक्शन। ओके, आपके पार्टनर फाइट को सुलझाने के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे आगे, ठीक है, आपने करना छोड़ दिया था, इन्होंने करना छोड़ दिया था, अटका पड़ा हुआ था, समझ नहीं आ रही थी क्या करना है, इस पर्सन को अब समझ आ गई है कि क्या करना है, ठीक है, आपके रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है, सक्सेस कैसे पाना है, इस फाइट को कैसे ख़त्म करना है, या अगर आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, आपको पाने के लिए, इस रिश्ते को सक्सेस तक पहुँचाने के लिए अगर इनको लड़ना भी पड़ता है, फाइट भी करना पड़ता है, तो ये पर्सन रेडी है, ठीक है, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं ये, तो मुझे आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए, किसी तरह का स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके रिश्ते में बैलेंस आएगी, जिससे आपका जो रिश्ता है वो सक्सेस की ओर जाएगा। और क्या होगा इनके एक्शंस, अपने इमोशंस बता सकते हैं, ठीक है, जो फीलिंग्स है आपके लिए, जो प्यार है, मोहब्बत है, आपसे प्यार करते हैं, आपके ओर अट्रैक्टेड हैं, इनको देखकर बिल्कुल ये पर्सन अपना प्यार का एहसास आपको कराना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं आप दोनों का एक अलग सा फैमिली हो, हैप्पी फैमिली हो, तो इसके लिए मुझे कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका एक्शन यही होगा, ठीक है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ हो, दोनों एक दूसरे से दूर हो, तो आज आप दोनों साथ में आ रहे हो, ठीक है, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हो रही है। आपके पार्टनर बड़े लंबे वक्त तक सोचे हैं और थिंक किए हैं, किसी से सलाह मशवरा भी लिए हैं, ठीक है, आपके बिना ये काफ़ी बेचैन रहे हैं, रातों को रोए हैं, तड़पे हैं आपके लिए, तब जाकर आज इन्होंने ये एक्शन लेना डिसाइड किया है कि अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो शायद देर हो जाएगी या यूं ही ऐसा अटका पड़ा रहेगा। तो ये आपके पार्टनर के एक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं आप मेरे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हो, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए आपके एडवाइस, क्या मैसेज देना चाहते हो उनको। लवर्स, वाओ, अलोन फील करने की जरूरत नहीं है, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, जो आपका प्यार है, आपका सोलमेट है, जो आपका रियल में आपका लव है, वो आपके साथ हैं, हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, जितना बेचैन आप हो उतना बेचैन वो हैं आपको लेकर, आप जितना चाहते हो उनके साथ आपकी यूनियन हो, आपका कंप्लीशन हो, बिल्कुल होगी, ठीक है, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, आप दोनों साथ में डेफिनेटली आओगे, आपके रिश्ते को ब्लेसिंग्स प्राप्त है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स मिल रहा है, ठीक है,
तो अगर ये आपके ट्रू लव हैं, आप दोनों का मिलना तय है, या अगर आपके लाइफ में आपके ट्रू लव नहीं है तो जल्द ही मिलोगे। आपका ट्रू लव कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगी। आपके जो ट्रू लव हैं आपका वैल्यू करेंगे, आपका रिस्पेक्ट खुद करेंगे और औरों से भी कराएंगे, ठीक है। सोसाइटी में, फैमिली में आपका रिस्पेक्ट हो, आपको वैल्यू दे, तो आपके ट्रू लव से आपकी यूनियन होगी, ब्लेसिंग्स प्राप्त है आपको। ये है यूनिवर्स का मैसेज, जल्द ही मिलने वाले हो या जल्द ही उनसे आपकी यूनियन रिकंसिलेशन होने जा रहा है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।